आधी रात भोपाल में पड़े ताबड़तोड़ छापे, सीएम की सख्ती के बाद लिया गया एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भोपाल की विशेष खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी में नशे के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद राजधानी भोपाल में पुलिस और प्रशासन एक्शन में नजर आए। बीती रात शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई। रात भर राजधानी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों और थाना क्षेत्रों में हुक्का लाउंज में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान शराब पिलाने के अवैध अड्डों पर भी प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की। कई स्थानों पर पड़े छापे। अरेरा हिल्स, एमपी नगर, अयोध्या नगर के क्षेत्र में पुलिस ने हुक्का और शराब पिलाने वाले स्थानों पर दबिश दी। एमपी नगर थाने में 5 हुक्का बार पर कार्यवाही की गई। अयोध्या नगर में 2 होटलों में दबिश दी गई। साथ ही साथ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर भी भोपाल पुलिस एक्शन में नजर आई। यहां की गई कार्यवाही। मिसरौद में पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोलार क्षेत्र में कैफे में छापा मारा, यहां कुछ युवक युवतियां हुक्का पीते नजर आए। निषादपुरा क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट और अयोध्या नगर में हुक्का लाउंज पर दबिश दी गई। कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने एक बार पर भी पुलिस ने छापा मारा, यहां से हुक्का सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने संचालकों को दी हिदायत। पुलिस ने राजधानी में देर शाम से कार्रवाई शुरू की, जो कि देर रात तक जारी रही। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सभी को हिदायत भी दी कि वो ये सब काम बंद कर दे, नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा। आदेश नहीं मानने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में दी थी हिदायत। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा था कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दे। ड्रग्स या अवैध शराब बिक्री हुई तो इसके लिए एसपी जिम्मेदार होंगे। एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि ये बात सभी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में हुक्का लाउंज न चलने पाए। किसी ने गलत काम किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।